दोस्तों आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और इंश्योरेंस एजेंसी में आप ग्रोथ पाने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, MDRT करना आपका सपना है, लेकिन जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं क्या आप क्लाइंट को इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का इंश्योरेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों इन्फ्लेशन रेट की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप लाइफ में इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ जाननी पड़ेगी ताकि आप क्लाइंट को जाके अच्छे से समझा पाएं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन का क्या महत्व होता है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में इन्फ्लेशन को आप किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपको करानी चाहिए, आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में ही लाइफ में MDRT COT करना चाहते हैं और आप चाहते हैं अपने ड्रीम को पूरा करना, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों क्या होता है, आप देखते हैं कि हर एक चीज़ पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि बीमा कराना और मेडिक्लेम कराना भी कॉस्टली हो चुका है, और इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी कॉस्टली हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आप कैसे समझाते हैं अपने क्लाइंट को, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई इन्फ्लेशन होता क्या है। अगर मैं साधारण शब्द में बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, हर एक चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हो आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 2000 की हम बात करें तो 2000 में अगर हम बात करें पेट्रोल के दाम हुआ करते थे 25 से 30 रुपए लीटर, जो कि आज 2022 चल रहा है, 2022 में पेट्रोल के दाम हो चुके हैं 105 रुपए लीटर, यानी कि पहले 100 रुपए में आपको 4 लीटर पेट्रोल आ जाता था, आज की डेट में 100 रुपए में सिर्फ आपको 1 लीटर पेट्रोल आता है। कारण आपके रुपए की कीमत गिर गई है, आप रुपए तो 100 ही है लेकिन 100 रुपए में पहले 4 लीटर पेट्रोल आता था, आज के समय में पेट्रोल सिर्फ 1 लीटर आता है, तो आपके रुपए की वैल्यू गिर चुकी है, तो ये भी इन्फ्लेशन का कारण होता है। दोस्तों आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट को समझाइए कि सर देखिए इन्फ्लेशन का प्रभाव हर एक चीज पर पड़ता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब पर भी इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के बिजनेस पर भी इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, और यहां तक कि राजनीति में भी इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, तो हर एक चीज पर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। तो आपको सर आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों इन्फ्लेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब किसी देश में गुड्स एंड सर्विसेज के रेट बढ़ जाते हैं तो इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर की हम बात करें। पहले ट्रीटमेंट कराने का बहुत कम चार्ज लगता था, लेकिन आज इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से ट्रीटमेंट के चार्जेस बढ़ गए हैं। जो एक्सरे पहले 200 रुपये का होता था वो अब 400 रुपये का होता है, जो ECG पहले 200 रुपये का होता था वो 400 रुपये का होता है, यानी कि हर एक चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस के रेट बढ़ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना महंगा हो चुका है। अब दोस्तों बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज से अगर 10 साल पहले आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी जिसका सम एश्योर 5 लाख था, आज उस 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। आज अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आज MBA कराने के लिए 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो दोस्तों क्या आज से 20 साल के बाद भी 20 लाख खर्च होंगे? जी नहीं दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के अकॉर्डिंग ही आपको अपने क्लाइंट को जाके समझाना पड़ेगा कि सर इंश्योरेंस भी आपको इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाएं, तो अपने क्लाइंट को इन्फ्लेशन के बारे में जरूर बताएं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ही आप उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं कि सर आज आप देखिए, आज आप सोच रहे हो कि आज आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आज से 20 साल के बाद 10 लाख खर्च नहीं होंगे सर, आज से 20 साल के बाद हो सकता है 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख रुपए खर्च हों। तो आप उनको बताइए कि सर आपको फ्यूचर के लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज से ही आपको प्लानिंग के तहत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए उस टाइम पे उतने पैसे का अरेंजमेंट हो पाए जितना उसकी पढ़ाई में खर्च होगा।
ये हर एक चीज इंश्योरेंस एजेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, जाके क्लाइंट को पॉलिसी समझा दी, यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका काम ये भी है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होना चाहिए, आपका काम ये भी है कि आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, आपका काम ये भी है कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, किस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि उसको आज की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे पैसा मिले। अब दोस्तों बात आती है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, लेकिन उनमें से कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं। एक कारण ये भी है कि भाई किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, यानी कि मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं है, डिमांड उसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अवेलेबिलिटी कम हो गई, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इस रीजन से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। अगर मार्केट में आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, एक सपोज आप खरीदने जाते हो सैनिटाइजर खरीदने जाते हो, सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, उससे ज्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है, जितना प्रोडक्शन था प्रोडक्शन से ज्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है, तो ऑटोमेटिक उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन का। दोस्तों इन्फ्लेशन का एक कारण ये भी है कि आप समझिए कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है, कोई सामान बना रही है, अगर उस सामान के रेट बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी कि उस प्रोडक्ट के रेट कैसे बढ़े, हो सकता है उस कंपनी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, उसकी जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, उसके कारण उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए। हो सकता है रॉ मटेरियल यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कच्चा माल आता है उसके रेट बढ़ गए, तो उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि पहले रॉ मटेरियल जो सामान आता था बनाने के लिए शायद 100 रुपए का आता था, आज उसके रेट बढ़ के 120 रुपए हो गए। तो यह भी एक कारण है इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का। दोस्तों तीसरा कारण, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाए, इसको इस तरीके से समझिए, मान के चलते हैं मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया तो लोगों के पास पैसा होगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। अब जब ज्यादा सामान खरीदेंगे तो सामान उतना अवेलेबल नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएंगी और सप्लायर उसके प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि सामान की वैल्यू बढ़ चुकी है, सामान की डिमांड बढ़ चुकी है, तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में वो सामान शॉर्ट हो चुका है, उतना सामान अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके रेट बढ़ जाएंगे। आपने देखा है पीछे जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीमीटर लोगों ने खरीदे थे, ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी मार्केट में जितनी थी उस हिसाब से उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड आ गई, तो जो ऑक्सीमीटर 500 का आता था वो 1500 का भी सेल हुआ है मार्केट में, लोगों ने ऑक्सीमीटर को खरीदा है, मजबूरी में खरीदा है, जिनको 1500 रुपए का खरीदना पड़ा, आज की डेट में वो ऑक्सीमीटर 500 रुपए का मिल रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई पर सब कुछ डिपेंड करता है कैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो इंश्योरेंस एजेंट को ये सब चीज समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वो हर एक वीडियो आती है जो आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करती है, जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। चौथा कारण दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने का वो ये है कि रुपए की कीमत में गिरावट आना। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सन 2000 से पहले जो पेट्रोल के प्राइस थे वो 25 से 30 रुपए प्रति लीटर थे, आज 2022 चल रहा है तो 2022 में जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो है 105 रुपए प्रति लीटर, यानी कि पहले 100 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल आता था, आज सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल आता है। रुपया तो वही है, 100 रुपए का नोट तो वही है, लेकिन उस रुपए की कीमत घट चुकी है। 100 रुपए में पहले 4 लीटर पेट्रोल आता था, 100 रुपए में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल आता है, तो अगर रुपए की कीमत घट चुकी है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये चीज दोस्तों आपको समझनी होगी और आपको अपने क्लाइंट को भी बताना होगा, जब आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए क्लाइंट के पास जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको समझाइए कि सर आज के समय में कोई भी सामान खरीदने के लिए इतना पैसा लगता है, आज से 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद कितने किस हिसाब से आप समझते हैं कितना पैसा लगेगा। आज अगर बच्चे की पढ़ाई में 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो आने वाले 15 साल में हो सकता है वो 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों आपको अपने क्लाइंट को बताना होगा कि सर अगर आज आपने सही डिसीजन नहीं लिया, आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, लेकिन आपको ये देख के इन्वेस्ट करना है कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आज आप 50,000 रुपये की इनकम ले रहे हैं, आपको 50,000 रुपये की इनकम आ रही है, लेकिन सर जब आप रिटायर हो जाएंगे आज से 20 साल के बाद या 15 साल के बाद, तब भी आपको 50,000 रुपये की इनकम आएगी, लेकिन सर उस 50,000 में आपका खर्चा कैसे चल पाएगा। सर आप एक चीज मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले आपने अगर गाड़ी खरीदी होगी तो शायद 3 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती होगी, लेकिन आज की डेट में अगर गाड़ी खरीदने आप जाते हो सर 7 लाख 8 लाख 10 लाख से कम की गाड़ी है ही नहीं,
क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, उसको बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, हर एक चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ गया है। इन्फ्लेशन रेट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर। आज आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए देख के चलना होगा कि आज जितना आपको पैसा चाहिए आज से 20 साल के बाद आपको इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ही, अगर हम लेके चले 4% का इन्फ्लेशन, तो 4% के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही आपको उस टाइम पे पैसा चाहिए होगा। आज आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है तो आज से 20 साल के बाद आपको अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख से कहीं ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एजेंट को ये चीज़ समझनी होगी, जब आप क्लाइंट के पास हैं उससे बात करें, उससे डरे नहीं, उससे बात करें, उसको समझाएं कि क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है, क्यों इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इन्फ्लेशन रेट होता है, ये हर एक चीज़ आप अपने क्लाइंट को समझाएं। अगर आप ये सब चीज़ अपने क्लाइंट को समझा देंगे, उसकी समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली दोस्तों वो प्रोडक्ट आपसे ही खरीदेगा, क्योंकि आप उसकी हर एक, जो उसकी समस्या है उसका समाधान कर रहे हो। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर वो FD में पैसा लगाता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाता है लेकिन उसकी फैमिली सिक्योर नहीं है, अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है उसकी फैमिली सिक्योर नहीं है लेकिन इंश्योरेंस में उसकी फैमिली सिक्योर है, आप उसको समझाइए कि सर आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर आपने एक टर्म प्लान लिया है तो आप सोच के चलिए, अगर आज 20 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं तो कम से कम आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, ताकि अगर कल कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो उस केस में आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिल पाए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लाइंट को किस तरीके से समझा रहे हो। दोस्तों, आप सभी का फर्ज बनता है अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने की कोई एज नहीं होती है, आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कुछ नया सीखूं। हर एक चीज़ YouTube पे दी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन दिया है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, तो अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप संडे मुझसे लाइव प्रोग्राम में सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।